भाई थोड़ी साइड कर लो प्लीज भैया। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं पाली बस्ती में जो मेरा अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन किया है या पश्चिम मिल जाएगी मैं पूरी बस्ती को प्रोग्राम से निकल सभी वक्ताओं ने अपने कितने बजे छुट्टी होगी जरी आज क्रिश्चन अकेला नहीं है आज जल्दी हो जाएगी साथ में कंतार चाचा को लेके जब अकेला आया था तब भी आपने कोई कभी नहीं छोड़ी थी और आज कृष्ण के साथ करतार है तो मुझे कोई कभी पहले से ज्यादा आपका और चाचा करतार ने जो आपसे कहा है दुनिया का कहा टाल सकता हूं लेकिन चाचा ने जो वादा कर दिया उसको पूरा करूंगा या पूछा अब मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं अभी मैं अब जाते होंगे होल्डिंग लगे हुए हाथ बदलेगा हाला 50 साल हाथ का राज रहा हालात कैसे थे मंत्री घोटालों में जेल जा रहे थे दंगा कर्फ्यू बम ब्लास्ट लावारिस वस्तु ना अंदर सुरक्षा थी ना सीमाओं की सुरक्षा थी पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सर काट कर पाकिस्तान ले जाता था ये हालात थे कहते हैं ना जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया रोज ये देश त्रासदी भुगतता था कश्मीर में सैनिकों के चेहरे पर थूका जाता पत्थर फेंके जाते थे पाकिस्तान लोग बमबारी करता था हालात बदलेंगे 50 साल इस देश में यही थी लेकिन आज हालात क्या हैं? आज ना दंगा है ना कर्फ्यू है ना बम ब्लास्ट है ना लावारिस वस्तु है और ना कोई माई का लाल कश्मीर में हमारे सैनिक के मुंह पर थूक सकता है ना पत्थर चला सकता है उसको मालूम है कि दिल्ली में मोदी बैठा है ऐसा इलाज करेगा कि साथ उसने याद ये कहते हैं हम हालात बदलेंगे आज बीजेपी है तो आज वंदे भारत ट्रेन है आज हाईवे दुगने बन गए हैं ग्रामीण सड़कें 10 साल में दुगनी बन गई है दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ जा रही है शहीदों के स्मारक बन गए हैं दुनिया मोदी मोदी के नारे लगाती है दुनिया में भारत का सम्मान बन गया आज सैनिकों से पूछो जिनके पास कभी बुलेट को झेलने वाली जैकेट नहीं होती थी माइनर डिग्री में करने वाले पैरों के लिए जूते नहीं होते थे आज वो सारे हालात बदल गए
आज एम्स तिगने हो गए, आईआईटी तिगनी हो गई, आईआईएम ट्रिपल आईटी, आज ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई। ईमानदारी से अगर देखेंगे भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया, 70 साल की 370 तोड़ दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदू जो भारत में आए उनको नागरिकता दे दी, और 500 साल के बाद हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर भी बना और राम लला विराजमान भी हुए। हालात तो ये तो 500 सालों में हालात नहीं बदल पाए, तुम किसके हालात बदलो? हालातों की बताऊ, मेरी बात पूरी लगे तो माफ कर देना, ऐसा करता मैं कहीं सच्चाई कहता हूं, मैं भी वही कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। फरीदाबाद के क्या हालात थे? अभी नवादा चले जाओ, हालात देख लो क्या है नवादे। 25 साल उसको भी मिले हैं, दो बार मंत्री रहा है, नवादे में घुस के दिखा दो ये बदलेंगे हालात। जहां खुद रहता है, बिजली मंत्री था, बिजली आती घटती जाती ज्यादा थी, नगर निगम का मंत्री था जहां रहता है, हर सड़क में गड्ढा था, सैनिक कॉलोनी में सड़क नहीं थी। आज हमने 15 करोड़ की लागत से सड़कें बनवाई हैं, उसके हालात भी हमने अनंतपुर वालों से पूछ लेना क्या हालत थी। ये खड़े अनंतपुर वाले, जो अपने घर के हालात नहीं बदल सकता वो इलाका और देश के हालात बदलेंगे। इन 10 सालों में फरीदाबाद में एक मुठारो होता था क्या हालत थी, आज उसकी हालत देखो। दूसरा दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे देखो, दूसरा हाईवे लाइन, तीसरा फरीदाबाद से जेवर को तोड़ने के लिए तीसरा हाईवे लाइन, ताज को भी जोड़ेगा, केजीपी को भी जोड़ेगा, चौथा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद वो भी लेके आए। फरीदाबाद से 15 मिनट में आप नोएडा पहुंचेंगे, आधा घंटे में गाजियाबाद। मजाक भी वेंटिलेटर नोएडा से जोड़ने के लिए हम पुल लेके आए, सड़क 100 करोड़ की बन गई है, एक महीने में पुल चालू हो गया। रेलवे स्टेशन देखो, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे, 250 करोड़ की लागत। सराय खोजा का फाटक कब से है, मेवला का फाटक कब से था, मुजेसर का फाटक कब से है? मैं आपको कह रहा हूं, एक नहीं, बदरपुर बॉर्डर से लेके होडल बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक हैं सब पर 400 करोड़ के पुल मंजूर करा दिए और काम शुरू करा दिया।